आदरणीय गुरुदेव दा को आग्रह करते हैं कि दादा आए और दस ठाकुर जी के मूलधारा पर चर्चा करें। दादा एकं नित्यं विमलं अखिलं सर्वद्भिः साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणगणितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। आज के पावन सत्संग में उपस्थित परम दयाल श्री श्री ठाकुर कुंसन जी के पवित्र पाणीधारी कर्मीगण, मन का महिमा इष्ट प्राणों से गुरु भाई सभी को मेरा आनंद प्रणाम जय जय। अभी हमारे आदरणीय यादव महोदय प्रियंका ने एक शब्द का प्रयोग करके मुझे बहुत छोटा बना दिए, मैं माफी मांगता हूं, मैं उस लायक हूं नहीं। आज इस कलिकाल में इस धराधाम पर परम दयाल जो अपना नरकरेवल रूप धारण करके हम लोगों को इतना बड़ा उपकार किया है, जो हम जन्म जन्म तक इनके आभारी हैं, जिन्होंने मुझे वो अपना नाम दे करके अपने चरणों में मुझे जगह दिया। मैं इसके लिए बार बार करूंगा आचार्य देव को, जिन्होंने मुझे इस सत्संग में ला करके एक जगह दिया, एक व्यवस्था दी। ठाकुर जी एक रामचरितमानस में चौपाई मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है, लेकिन उसमें कहा गया है सत्य शुद्ध रहे सत्संग नहीं पावा। मतलब कितना भी कितना पापी पापी या धर्मी जो कुछ भी क्यों न हो, अगर प्रयागराज तीर्थ में स्नान करके इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना एक सत्संग में आकर के उनको लाभ मिलेगा। सत्संग में हमारे दादा लोग, हमारे गुरु भाई लोग, माँ लोग अपना अपना अनेकों अनुभूति पा करके जिन्होंने उनको मिला है, मुझे तो लगता है जो हम जितने भी हमारे दीक्षित लोग हैं जो ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं और जब से किए हैं जितना ही दिनों से किए हैं और अभी तक एक भी घर एक भी गुरु भाई ऐसा नहीं होगा जिसको ठाकुर जी कुछ न कुछ जोर दिया होगा और मिला होगा, वो अनुभव किए होंगे और अपने हृदय पर हाथ रखे सोते हैं ये मुझे क्या नहीं मिला, अगर जो कुछ हम पाना चाहते हैं और नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं मुझ में खोट है, मुझ में कमी है। एक छोटी सी उदाहरण मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, बहुत नजदीक की घटना है। वो घटना है तारीख 9 तारीख की बात है और इस रात की बात है कि 1 बजे के बाद मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अपने परिवार के बारे में बोल रहा हूँ। बड़ा अनुभव करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे उस परिस्थिति को, उस समय को। 9 तारीख की रात हम लोग संध्या में गोकुल यात्रा पर 2 तारीख से यज्ञ कथा नाना कार्यक्रम वहाँ आरंभ हो चुका हुआ था। बहुत से लोग आते आते थे समाज में, माताएं बहनें भाई लोग, हमारी पत्नी भी जाती थी, मैं भी जाता था वहाँ पर। बहुत बचपन से मेरा लगाव है उस स्थान से।
और हम लोग अपने पत्नी के साथ प्रसाद लेकर के अंत में आए घर, भोजन किए, कुछ देर टीवी समाचार देखे और हमारी पत्नी कहती है टीवी को बंद कर दीजिए, थोड़ा तबियत अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम बोल वो किए जो भाई रास्ते में इतना हंसी मजाक किए भाई लोगों से, हाँ अभी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, सो जाए। मच्छर जाली पंखा लगा करके उनको सुला दिए, पता नहीं उनसे पहले शायद हम ही सो गए। और जब मेरे आँख खुली उस समय 1:12 हो रहा था, और यह अपने आपों में नहीं थी, इनको आवाज नहीं था मुंह में, वो सिर्फ हमारे बदन को, वो मेरा पेट जो है शायद उससे पहले वो बाथरूम गए होंगे और आने के क्रम में उस पेट पर नहीं चढ़ पाई और कमर नीचे पैर से और झुक कर को हमको वो बाह को वो थोड़े मैंने ऐसा कहना चाहती हूँ उठने के लिए, उसकी ताकत नहीं शरीर में है। अचानक मेरा आंख खुला, उस पर ध्यान गई और देखने के बाद ऐसा लग रहा था जो पता नहीं इसके शरीर में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं इसके शरीर में है। उसको नीचे पकड़ करके चाहे जो हम बेड पर उठा करके रखे और अपने बहू को अपने पुतहु को मैंने आवाज़ दिया, बउआ बउआ बाहर आओ, कन्या बाहर आओ, देखो माँ की मम्मी ने की भाव गई। वो बेचारी एक दुबार सुनने के बाद में वो आई बाहर और सबसे पहले परिस्थिति को देखते हुए अपने हस्बैंड को यानी कि अपने पति को हमारे अपने बड़े पुत्र को उन्होंने फोन की, वो देखिए मम्मी को एकदम ऐसा पता नहीं चला रहा है जो पापा जी एकदम परेशान हैं, जल्दी से आइए। और उसको हम गोद में उठा करके जेहू रखे, कनिया पानी लेकर के उसके चम्मच के मुंह में दे रही थी, मम्मी मम्मी आँख खुल मम्मी आँख खुल मम्मी, और एक बार पूरा शरीर ढिल्ला होकर जैसे गिर गई। उसके बाद मैं कहीं कुछ नहीं, हमारी बहू जो थी इतनी जोर से चिल्लाने लगी, हम तुरंत बाह पकड़े, बउआ ये वक्त नहीं चिल्लाने का, मनोज को तुम फोन करो सबसे पहले। फिर जाकर के फोन की और एक शब्द मुझसे वहां निकल गया जिसमें अगर वास्तविक में हमारा ये होगा तो रहेगा और नहीं तो पोशिया रखा हुआ तो हमारे पास मालिक आए हैं लेने के लिए, अपना लेकर के चले गए। ये बात हमारे बहू को सुन करके बड़ी आश्चर्य लगा और मिनटों तक हमारे चेहरा को देख रही थी, हमको कुछ लग ही नहीं रहा था जिस अवस्था में हम क्या करें। और उतना ही क्षण में पता नहीं बचपन से अभी तक भले ही हमारे माता पिता इस धरती पर नहीं है लेकिन अभी भी मैं उनको कभी मृत नहीं पाया, मृत नहीं समझ रहा हूँ, अपने माता पिता को जीवन से लेकर के चल रहा हूँ। जब भी आपत्ति विपत्ति आती है तो हमारे साथ चार ऐसे देव हैं जो हमारे माता पिता और हमारे कुल देवी जो माँ भगवती काली है और तीसरा जो बाल्यपन से मैंने गोकुल वाली आश्रम को मैंने धर करके रख चला और जिनका मैंने दर्शन पाया उस जीवंत समाधि बाबा का, और चौथा में हमारे जो हमारे आदर्श हैं हमारे जो सदगुरु हैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर अंकुलचंद जी। बस ये चार देव को मैं हमेशा निरंतर अपने पास लगता है जो मेरे साथी हैं, उन्हीं चारों देवों को मैंने स्मरण किया और कहा जो आपको जो अच्छा लगे जैसा भी लगे हम अपने आप को सुविधा करते हैं, अगर इसमें मेरा कल्याण छुपा हुआ है तो मेरा कलिक भी दुख नहीं, कलिक भी दुख नहीं कला नहीं, मेरे आंख से आंसू भी नहीं टपकेगा परम दयाल। और मेरे घर से ऐसी बात आई जो मैंने अपने बहू को कहा बउआ थोड़ा अपने मम्मी को मुँह में उंगली डालो तो, और मैंने उसके छाती पर हाथ रख के 2 या 3 पर दबाया होगा कि आँख खुल गया, फक्षेप आँख खुल गया। और खुलने के बाद वो आँख स्थिर नहीं, वो मडरा रहे कि कभी इधर उधर उधर एकदम। और फिर हमारे बहू जाकर के फिर रिंग करती है, उतना ही देर में दरवाजा खुलने की दस्तक आता है, हमारे बहू आकर के
दरवाजा को खुलती है, मेरा बड़ा लड़का वो फोर व्हीलर लेकर के आया और उसके पास जो भी नापने जांचने का जो भी यंत्र था लगाया और उन्होंने कहा पापा लगता है ब्रेन हेमरेज कर गया, मम्मी को लेकर के जल्दी से जल्दी गाड़ी पर। और जैसे तैसे मैंने उनको उठा करके गाड़ी में रखा, सभी बाल बच्चे को लगा करके मैंने गाड़ी में बैठाया और मेरा लड़का का जो क्लिनिक है बगल के पास में उसमें ले गया, बेड पर सुलाया, उसके पास जो भी यंत्र था लगाया, एक दवा मुँह में डाला और एक इंजेक्शन लगाया। आधा घंटे के बाद वो अपने आँख खोली और कुछ बोलना चाह रही है, हमारी फोटो उठती है, मम्मी हमारा चिन्हित है, हम के थे मम्मी हमारा चिन्हित है, हाँ कन्या जी हम तो पैर लेंगे लिख बैठे अपने कथा सब सब कुर्सी पर बैठ बैठे। समझने की बात है या अनुभव करने की बात है, कौन सी शक्ति वहां आ गई? ये विश्वास है हमारे अंदर, वो मालिक की कृपा था जो उन्होंने उसको जीवन दान मिल गया और उसको बिहान होकर के मैं सुबह मेडिकल कॉलेज में भी ले गया, जांच पड़ताल जो सारा करवा करके कहा जो कुछ नहीं है सर, सिर्फ डायबिटीज बढ़ा हुआ था जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, सारा चीज ठीक है। और उसी समय हमारी पत्नी बोलती है जब इतना दूर आ गए हैं तो ठाकुर जी का दर्शन भी करेंगे। और फिर रविवार को मैंने फिर सत्संग ले गया, सत्संग लाभ करके आज वो मालिक जी के पास बहुत सुंदर है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, समय की सीमा है, एक घटना मैंने बता दिया। अभी भी मैं कहता हूँ जो लोग उनकी जो नीति विधि है यजन याजन स्थिति जो समय दिया गया है जैसा करने के लिए कहा गया है विश्वास होकर के करें, आपका क्षति नहीं आपका उन्नति निश्चित है। और जिन्होंने स्वस्थनी ले लिया है मैं उनसे भी कहूंगा जो आप निश्चित रूप से स्वस्थनी का पालन सही रूप से करें, कोई छल कपट नहीं उसमें, कोई धन का समाधान नहीं, क्योंकि तो जब स्वस्थनी ले लिए जो हमारे श्री विग्रह में मालिक का जगह है तो वहाँ दूसरा गलती वृत्ति प्रवृत्ति जगह बना नहीं सकता है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। हमारे आदरणीय गुरुदेव का अपने जीवन की एक अनुभूति हम लोगों से शेयर कर रहे थे। वास्तविक रूप से अगर पूछते हैं तो उनकी जो स्थिति थी उस समय वो पूर्ण रूपेण ये थी कि निराश हो चुके थे और कहीं भी उनको आशा नहीं थी कि उनकी श्रीमती हमारी गुरु बहन फिर आंख खोलेगी। लेकिन हमारे गुरुदेवदा का विश्वास, गुरुदेवदा का ठाकुर के प्रति प्रेम ये दर्शाया वहां। और आज माँ बहुत सुंदर, हम लोग जाके देखा, बहुत सुंदर बात कर रही थी, पूरे होशो हवास में थी, लेकिन चेहरे में साफ झलक रहा था कि बहुत बड़ी बीमारी से बची है। तो मैं यही कहूंगा इस घटना से तो निश्चित रूप से हम सबों को सीख मिली, सबक मिला। हम लोग जीवन में परम दयालु इसलिए कहते हैं, बहुत दयालु हैं हमारे दयालु, उनको जीवन में लेके चलिए, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्या जरूर लेके चलिए। और हम लोग प्रार्थना करते हैं दयाल के चरणों में कि हमारे देवदा सब परिवार आनंद रहे, स्वस्थ रहे, उनकी श्रीमती जी और ठाकुर जी की दया उन पर बरसती रहे। अब आइए आगे सत्संग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं